यशोमती मैया से बोले नंदलाला। ये गाना गाते गाते अब लेकर चल रहे हैं हम आपको सोनी टीवी के शो यशोमती मैया के नंदलाला के सेट पर, जहां मन रहा है जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से। जन्माष्टमी का मौका है और आज हम आपको सीधा लिए चलते हैं गोकुल, जहां पर देखिए यशोदा मैया परेशान है क्योंकि कान्हा ने एक बार फिर से माखन खा लिया है और इसलिए गोकुलवासी यानी गोपिकाएं उनके पास लेकर आई हैं कान्हा की शिकायत करने। लेकिन कान्हा तो हमेशा बोलते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ऐसे में मैया नहीं मानेंगी। भाई आज जन्माष्टमी का मौका है, इसलिए सोनी टीवी के सीरियल यशोमती मैया के नंदलाल के सेट पर भी देखिए कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। कान्हा अपने माता पिता यशोदा और नंद के साथ देखिए किस अंदाज में जन्माष्टमी मना रहे हैं। सास बहू और बेटियां के सारे दर्शकों को, यशोमती मैया के नंदलाला के सारे दर्शकों को, हम सबके प्यारों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी बोल दो। हैप्पी जन्माष्टमी। छोटी छोटी गैयां, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदने गोपाल। वाह, यही चीज तो मुस्कुरा के भी कर सकते हो बेटा। मुस्कुरा लो कान्हा, आज माखन ना मिला इसको। यशोदा मैया माखन दे दीजिए। अपनी मैया यशोदा के साथ कैसे मक्खन निकाल रहे हैं, नंद बाबा के साथ ओखली में हल्दी पीस रहे हैं। भाई कान्हा की तो लीला अपरंपार है, हर वक्त खुशियां फैलाना ही तो इनका काम है और आज त्योहार के मौके पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वैसे सीरियल यशोमती मैया के नंदलाल में हाल ही में लीव हुआ है और छोटा कान्हा अब बड़ा हो गया है और आ गई है सीरियल में नन्ही कृष्णा, जो देखिए इस कृष्णा की ड्रेस में कितनी क्यूट लग रही है। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया, बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। मैया कान्हा के लिए खास गाना गा रही हैं और नंद बाबा के साथ हो रही है ढेर सारी मस्ती। सास बहू बेटियां, आज आपको इस सीरियल यशोमती मैया के नंदलाल के सेट पर जन्माष्टमी का खास सेलिब्रेशन दिखाने लाया है। मुंबई से करीब 2.5 घंटा दूर लगा है इस सीरियल का सेट और बारिश के बीच में फिल्माया जा रहा है ये एक सीन है गोकुलवासियों की शिकायत का। कान्हा ने मक्खन खाया कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन मैया ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। मैं नहीं माखन खायो हो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। खायो खायो। माखन बहुत पसंद है, है कि नहीं? हाँ। है? तो चुराया माखन खाया? हाँ। मैया को बताया? ना। मैया को ना बताया? चलो वेरी।
और मैया सबसे लड़ रही है कि मेरा कान्हा माखन चोर ना है। कि मुझे जगह जगह से इसकी कंप्लेंट आ रही है कि ये माखन चुराता है, आपका कान्हा ना जीजी माखन चुरा रहा है। और मैं बोल रही हूँ ना, मेरा लल्ला माखन चोर हो ही ना सकता, इसको ना मैं इतना माखन देती हूँ, लेकिन ये माखन चुरा रहा है, सच्चाई तो यही है। पर मुझे पता नहीं चल पा रहा, कान्हा तेरे पैर में जो चक्र लगे हैं ना इधर बैठ। तो सही बात तो यही है कि ये माखन चुरा तो रहा है, और इसको मैं कितना भी माखन खिला दूँ इसका मन ना भरता माखन, घर के माखन से। जी ही एक ऐसे अवतार हैं जिन्होंने सारी लीलाएँ की हैं, जिन्होंने सारे कला से निपुण थे, उन्होंने एक भी ऐसा इमोशन है जिसको उन्होंने नहीं किया, छल भी किया। ही इज़ दैट ओनली अवतार जिन्होंने गलतियाँ भी की और अच्छाइयाँ भी की। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट वो इनेबल करता है कि यू नो उनके ऊपर बहुत सारे गाने बन पाए। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा योगदान मीराबाई का है इसमें। मीराबाई की वजह से बहुत ज़्यादा प्रचलन था कि कान्हा के ऊपर गाने बनते थे, एंड आई थिंक ये है। और कान्हा वॉज मतलब ऐसे थे ना, मनमोहक, मनमोहना, और उनके इतने सारे नाम थे, वो भी एक कारण है कि उन पे कई गाने बने। तो भाई जानते हैं कि पर्दे के पीछे कैसा है इनका कनेक्शन। सुर में आने के लिए उसके साथ बैठकर बहुत सारा समय बिताने पड़ता है। जैसे कि मुझे अभी भी याद है कि पहला दिन था इसका त्रिशा का, जब मेरे साथ आके नंद बाबा के साथ सीन करना है, और मेरे साथ आके बड़ी सीरियस हो गई। मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं इसको कैसे जो है काम डाउन करूँ कि हाँ चलो अच्छे से सीन करेंगे, अच्छा करेंगे। और तब अचानक से इसके साथ बैठकर थोड़ा सा खेलना शुरू किया। खेलते खेलते मैंने इनके साथ रील्स भी बनाई, है ना, अपन ने रील्स बनाई थी ना उस दिन। हाँ, कैसा लगा था पहला दिन बाबा के साथ? अच्छा। पहले दिन जब शूट किया था अपन ने, पहले दिन पे आप डरे हुए थे ना? क्यों? जानते नहीं थे मेरे को, जानते नहीं थे ना नंद बाबा को। फिर बाद में तो इतनी कंफर्टेबल हो गई कि बाद में इनकी मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसे बोल रही थी कि अरे मुझे नंद बाबा के साथ ही शूट करना है अभी। तो वो कंफर्ट लेवल लाना बहुत ज़रूरी है एज पर जितना मैं समझ पाया। अब यशोदा जी बताएंगी कि कितना इनको बहुत मुश्किल हुई होगी। नहीं, बच्चों के साथ आई थिंक GNT नहीं मिलता। नहीं, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। मतलब मुझे, मैं खुद अंदर से मतलब बहुत ज़्यादा बचपना है, मतलब मेरे अंदर है वो, और मैं मस्ती करना पसंद करती हूँ। आई चूज टू डू मस्ती, सो आई थिंक दैट इज़ वाई आई कनेक्ट विद चिल्ड्रन वेरी क्विकली। इनफैक्ट त्रिशा के साथ मतलब मेरा कनेक्शन पहला जब इसका मॉक शूट हुआ था उसी दिन से हम लोग ने हंसना चालू कर दिया था। हाँ त्रिशा, हाँ है। और तुम मुझे गुदगुदी क्यों लगाती हो हर समय? इसको पता है मैं बहुत टिकलिश हूँ हर जगह। तो ये मुझे बहुत गुदगुदी लगाती है। जब तक ये अपना डायलॉग सही से नहीं बोलेगी, अगर मैं ऐसे रुकी हूँ तो मैं ऐसे ही रुक के रहती हूँ जब तक ये नहीं बोलती। पर ये अच्छा करती है और बहुत क्यूट लड़की है। तो आई थिंक मॉक शूट के दिन ही लास्ट शॉट हो रहा था, एंड मुझे लग रहा था कनेक्ट हम हो पाएंगे ऐसा मैं और ये बैठे हुए थे, और अचानक से मैंने ऐसे देखा और इसने ऐसे किया और मुझे हंसी आती है। अगर मैं कहीं देख रही हूँ और मुझे अचानक से कोई ऐसे देखेगा ना तो मुझे हंसी आती है बचपन से। और इसने फिर ये पकड़ लिया कि ये हंसती है बार बार ऐसे देखने पर, तो इसने मुझे हंसाना चालू कर दिया, और वहाँ से आई थिंक हमारा हो गया, बन गया इसको। फिर ये मेरी नकल भी उतारती है। त्रिशा मेरी कौन सी डायलॉग बोलते, बोलो। कितना ढीठ है रे तू, हाँ? और ये मेरी बहुत नकल उतारती है, रूम में भी उतारती होगी, है ना? तो हम मस्ती करते रहते हैं बहुत। हाँ, इसको मेरे जैसे ऐसे भी करते हैं। जितना मैं ज्यादा अपने आप को जी रही हूँ इस किरदार में, मुझे नहीं लगता आई हैव गिवन सो मच ऑफ माई पर्सनैलिटी इसमें। एक्चुअली आधे से ज़्यादा मेरी पर्सनैलिटी दिखती है, जो भी मैं गुस्सा करती हूँ या हंसती हूँ या प्यार करती हूँ, चिड़चिड़ी होती हूँ, दैट्स ऑल मी एंड विद अ लेयर ऑफ यशोदा, बिकॉज शी इज़ अ मदर, आई एम नॉट। सो आई थिंक दैट्स द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज मैंने अपना अगर सबसे ज़्यादा कैरेक्टर यूज़ किया है तो इसी शो में यूज़ किया है, और बाकी अनारकली
और वो सब तो चलते ही रहेंगे और वो होंगे, अभी शुरू होंगे, वो भी आएगा. I have played other characters also, पर उसमें जो मम्मियाँ भी हैं या नॉर्मल जो पॉजिटिव लीड्स हैं वो एकदम, पर इसमें मैं हूँ जो सबको डांटती भी रहती हूँ, पति को भी डांट देती हूँ, प्यार भी करती हूँ बच्चों को, इसको भी डांटती हूँ प्यार भी करती हूँ. तो I think this is one of the most normal characters. कृष्णा के साथ सब लोग मस्ती करते हैं, चाहे वो उनके ऑन स्क्रीन पिताजी नंद यानी राहुल हो या फिर हो उनकी ऑन स्क्रीन मैया यशोदा यानी नेहा. और तो और सेट पर मौजूद हर एक के साथ ये नन्हा कृष्ण अनोखी लीला खेलता है और कुछ इस अंदाज में होती है इस सीरियल की शूटिंग. वैसे जन्माष्टमी का मौका है तो क्यों ना यशोदा मैया नंद बाबा और नन्हे कृष्ण के साथ इस सेट की सैर की जाए और देखें कि ये गोकुल कैसे बसा हुआ है इस सीरियल में. गोकुल का उत्सव है और आप है गोकुल में, मेरा मतलब है कि गोकुल के लाइव सेट पर और गोकुल के जन्माष्टमी के मेन कैरेक्टर हमारे साथ है कृष्णा. बताओ क्या आने वाला है अभी, पहले तो राधे राधे कर दो. राधे राधे राधे. और जन्माष्टमी में किसका बर्थडे मनाते हैं त्रिशु? काना. काना का. और आप कौन हो? काना. काना, चलो इसको पता है. और ये हम कहाँ हैं? ये हम अपनी रसोई में, और आपको हम पूरे रसोई की सैर कराते हैं और उसके बाद हमारे भवन की भी सैर कराते हैं. ओके ओके. रसोई में कुछ खास दिख नहीं रहा मुझे. क्या ही दिखाऊं मैं. ये हमारे सारे बर्तन हैं, आप देख सकते हैं सारे काफ़ी भारी भारी बर्तन हैं, ऑथेंटिक बर्तन लेके आए हैं सारे, पीतल के और कॉपर के. हाँ त्रिशा बताओ इसे क्या करते हैं हम? इसे पानी पीते हैं. और एक सीन में मैंने तुमको ऐसे बोला ना, कुल्ला करो, चल लल्ला कुल्ला कर. हाँ. ओके आ जाओ. आइए अब आपको हम ये सब सारे मक्खन है, उसमें बहुत सारा मक्खन है जो हम कभी आपको दिखाएंगे नहीं. आंगन का चौबारा जैसे है तो कॉरिडोर. और हमारा जो ये पिलर्स है, ये पिलर्स एक्चुअली बहुत सुंदर से बनाए हैं, दे आर ऑल वुडन पिलर्स, तो काफ़ी सुंदर है, लकड़ी के, आराम से गिरना. और यहाँ पे हम चल उतर त्रिशु, यहाँ पे हम माखन मथते हैं. और अभी हाँ मैंने नंद जी को बोला था हल्दी थोड़ी कूट के रखिएगा, तो वो हल्दी कूट रहे हैं. क्या कर रहे हो? हल्दी कूट रहे? हाँ. हाँ, हाँ. मजा आता है आपको इसमें? हाँ. अरे वाह. तो ये हमारी डेली की जगह है जहाँ पर हम बैठकर रोज माखन मथने का काम यशोदा जी करती हैं. कभी एक दिन में 5-6 बार करती हूं. और मसाला कूटने का कार्यक्रम हम करते हैं, लल्ला और बाबा मिलकर मसाला वसाला कूटते हैं, चीजें साफ करते हैं और खेलते हैं. क्या क्या खेलते हैं हम? क्या क्या खेलते? अरे ये नहीं खेलते, सुपर सीला. ये पंजा, ये मुझसे पंजा लड़ाती है और मुझे हरा देती है. अच्छा चलो पंजा लड़ाते हैं. इसमें नहीं हारता. ये चलो पंजा, वो वाला पंजा वहां रखो. ये ए कम ऑन, ये कान्हा, कान्हा जीत जाएगा. ए इसी तरह से मैं इसको जीतने देता हूँ. और एक दो चीज़ें और करती है ये मुझे मिमिक करने का बहुत ट्राई करती है त्रिशा, मतलब कि काना बहुत ट्राई करता है मिमिक करने का, कोशिश करता है कि जैसे जेस्चर्स हाव भाव मैं बनाता हूँ वैसे ये खुद भी बनाए और मेरी तरह एकदम अपना व्यवहार में उसको आचरण में लेकर आए, तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है. इस भवन की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये पिलर्स हैं. ये पिलर्स अगर आप देखेंगे, जो ओरिजिनल नंद भवन है वो ओरिजिनल नंद भवन से काफ़ी कुछ मिलता जुलता हमने कोशिश की है, जो आर्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने कोशिश की है कि ये वैसा रखा जाए. तो आई गेस बहुत हद तक हम लोग कामयाब रहे इस चीज़ में. और बाकी आप देखेंगे तो
अभी जैसे आप रसोई में होकर आए तो पूरे तांबे के बर्तन और जिस तरह का उसमें यूज़ किया गया है, पीतल और तांबा जो है मोस्टली यूज़ किया गया है, नीचे चूल्हे जो अगर आप देखेंगे उसमें 3-4 चूल्हे अलग से बनाए गए हैं, तो कोशिश की गई है पूरे सेट को उस तरह का टच देने की जो कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगे, और इसी वजह से शो को बहुत अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। जब भी हमने बात की या लोगों से या जिन भी लोगों से हम कनेक्ट कर सकते थे, मेरे गांव से मुझे जो रिव्यूज़ आए कि बहुत अच्छा लगता है सेट, ऐसे बिल्कुल रियल लगता है कि नंद बाबा और यशोदा और कान्हा ऐसे रहते होंगे। अभी के नंद में और पहले के नंद में जो है कॉस्ट्यूम थोड़े से और रिच हो गए, मतलब हम लोग और धनवान हो गए और जो है ज्वेलरी तो उतनी ही है, बस थोड़ा फैब्रिक का चेंजेस है, फैब्रिक जो है थोड़ा सा रॉयल फैब्रिक ऐड हो गया है, पहले थोड़ा सा हमने और गांव वाला टच रखा था, लेकिन जैसे जैसे 5-6 साल गुजरे तो थोड़ा सा नया लुक आया है, पगड़ी थोड़ी चेंज हो गई है, पगड़ी में और कलर ऐड हो गए हैं, एक अलग पग आ गया है, यशोदा जी का भी काफ़ी कुछ चेंज हो गया है जिस तरह के वो अटायर में थी। हाँ बट कलर कॉमन अच्छा, एक चीज़ हमारी एक बहुत कॉमन है, जब भी हम लोग रहते हैं, जब भी हम लोग साथ में नहीं नहीं एक वो जो हमेशा हमारा कलर कॉम्बिनेशन कलर कोऑर्डिनेटर रहते हैं हम लोग, आजकल पगड़ी ड्रेस आधे टाइम पे कभी कभी तो यही सेम ड्रेस होता है हमारा, कॉटन है, हमने सिंपल हल्के फैब्रिक्स ऐड किए हैं, लाइट कलर्स ऐड किए हैं, बहुत सिंपलिस्टिक ज्वेलरी है, क्योंकि मेरे को जब भी तैयार भी किया जा रहा था इस कैरेक्टर के लिए तो मुझे बोला गया बिकॉज शी हैज़ टू यू नो शी हैज़ टू बी सिंपलिस्टिक, क्योंकि वो सुबह उठ के गाय का दूध भी निकालती होगी, गैया की सफाई भी करती होगी, उस पूरे जगह की सफाई करती होगी, सो व्हेन पीपल हैव काउज स्पेशली काउज और इवन अदर एनिमल्स, वो अपने बच्चों के ही जैसे उनको रखते हैं, उनका ध्यान खुद रखते हैं, तो वो खुद ही करती होगी, सो फॉर दैट रीज़न वी आर नॉट गिविंग यू हैवी ड्यूटी कपड़े या ये वो, बट हाँ जो क्लिप्स लगते हैं, विग लगती है, उसके ऊपर एक दुपट्टा लगता है, टू कैरी दैट फॉर 14 आवर्स इट इज़ नॉट अ जोक, एक एक पिन ऐसे लगता है सबका भार बढ़ने लगता है जैसे जैसे आवर्स बढ़ते हैं, सो इट्स नॉट ईजी एंड वी कांट इवन रिमूव इट एंड कीप इट, थोड़े थोड़े देर के बाद वी हैव टू वेयर इट ऑल डे लॉन्ग, सो बस चल रहा है जिंदगी है। वैसे सीरियस यशोमती मैया के नंदलाला की खास बात यह है कि इसमें कृष्ण की लीलाओं के साथ साथ कृष्ण के बालपन के जीवन की छोटी छोटी बातों को दिखाया गया है, और कुछ ऐसे ही सीन हमेशा इस सीरियल में फिल्माए जाते हैं जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। कृष्ण पे ऊपर ढेर सारे सीरियल्स बने हैं, ढेर सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन ये सीरियल एक डिवोशनल सीरियल है जो कृष्ण की अनदेखी बाल लीलाओं के बारे में बताता है। लुक हो गया या आपको कॉस्ट्यूम्स हो गए, उनमें बहुत ज़्यादा कई बार डिस्कम्फर्ट होता है, और उन सब के साथ में अब जैसे पगड़ी ही ले लीजिए, पगड़ी को बहुत देर तक अगर आप शुरुआत जब हुई थी तो पगड़ी बांधनी पड़ती थी, और उसके लिए ऑलमोस्ट 6-6, 8-8 घंटे आप कंटिन्यू पगड़ी पहनकर कर रहे हैं तो सर दुखता है, तो इस तरह के छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो आपको माइथो में बहुत चैलेंजिंग मिलते हैं। इससे पहले जब विष्णु कर रहा था तो पूरी ज्वेलरी थी तो उसमें भी प्रॉब्लम्स हुई, बट इसकी जो खूबसूरती है माइथो की कि आप वो नहीं कर रहे हो जो कंटिन्यू आप करते आ रहे थे। मुझे बहुत टाइम हो गया था कि कंटिन्यूस डेली सोप्स और सोशल ड्रामा बहुत किया, तो मैं चाह रहा था कि कुछ एक अच्छा और एक अलग किरदार निभाया जाए जो कि लोगों को याद रहे एक अलग वे में। तो जो सिंप्लिसिटी है नंद की और जिस तरह का उनका किरदार है, उसको एक अलग नोट पे ले जाने की कोशिश की है मैंने, और उसको पहले नंद हमेशा जितने भी दिखाए गए हैं स्क्रीन पर वो बड़े सीरियस और बहुत ही इमोशनल और उस तरह के हैं, यहाँ पे एक लेयर और ऐड करके वो जो पूरा फैमिली ड्रामा ऐड हुआ है इस शो में यशोमती मैया के नंदलाल में, वो एक इसकी बहुत स्पेशलिटी है जो कि हम पिछले शोज़ में नहीं देख पाए, कि जितना एक बॉन्डिंग इन तीनों में है, यशोदा, कृष्ण और नंद में जिस तरह की बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग एक उसमें हम एक अलग नोट पर इसको हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस वजह से शायद ऑडियंस को ये और भी ज़्यादा टची लग रहा है इस वक्त, जिस तरह के रिव्यूज़ मिल रहे हैं अच्छा लग रहा है,
आई थिंक माइथुन आ कहकर मैं ये कहूँगा कि अपनी हिस्ट्री का पार्ट बनना ये एक बहुत खूबसूरत बात होती है। पर्सनली डोंट लाइक द वर्ड माइथो, इट्स क्लियरली नॉट मिथ। मतलब ऑफकोर्स जब एक कैरेक्टर को एक क्रिएटिव लिबर्टी लेकर के बनाया जाता है, देर आर वेरियस थिंग्स जो हम ऐड करते हैं, बट दैट डजंट मीन यू कॉल इट अ मिथ। इफ यू कॉल कृष्णा की स्टोरी अ मिथ, देन गीता इज ऑल्सो अ मिथ। एंड आई डोंट नो, गीता बड़ा लोग फ्लॉन्ट करते हैं सूडो वाले, बट कृष्ण से प्रॉब्लम है, तो आई थिंक वी के नॉट कॉल इट अ माइथो। इट्स अ डिवोशनल शो, ऑल इन ऑल आई थिंक डिवोशनल इज द राइट वर्ड टू एक्चुअली कॉल इट। मतलब अगर कोई चीज़ 5,000 साल पहले से चल रही है और वो पास ऑन हुई है, तो कहीं ना कहीं इतनी सच्चाई रही होगी, तभी तो वो इतना कुछ हुआ है। तो अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग उस शो का पार्ट हैं जहाँ पर ये सब कुछ प्ले करने को और वो सारी लीलाएँ ऑलरेडी निभाने का, करने का और उनके साथ रहने का मौका मिल रहा है, तो ये एक सौभाग्य वाली बात है। मैं तो इसको वही मान के चलता हूँ और कृष्ण का आशीर्वाद है। तो भाई इस जन्माष्टमी आप भी अपने अंदर का कृष्ण जगाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन का सार हर युग में सिखाते हैं भगवान कृष्ण, और कुछ ऐसे ही कृष्ण की लीलाओं के दिखाने की कोशिश कर रहा है ये सीरियल यशोमती मैया के नंदलाला, जिसके सेट पर जाकर हम कुछ अनदेखे पर्दे के और पर्दे के पीछे के नज़ारे लेकर आए इस खास जन्माष्टमी। तो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, मुंबई से अनुपम अवची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।